ऐसी खबरें आई थी कि टीवी एक्टर पार्थ समथान अपने पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी से अलग हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने शो को छोड़ने को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये चर्चा जोरों पर हो रही है कि वे लीड किरदार अनुराग बासु वाले इस शो में अब काम नहीं करेंगे। अब जो नई खबरें सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि पार्थ समथान ने बॉलीवुड फिल्म के लिए टीवी जगत को बाय बाय कह दिया है। जी हाँ, एंटरटेनमेंट वेबसाइट स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्थ समथान को बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म हाथ लगी है और इसी वजह से वे अपना फेमस शो कसौटी जिंदगी के 2 को छोड़ना चाहते हैं। बताया गया है कि पार्थ ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है और अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर वे काफ़ी उत्साहित भी हैं। अब खबर यह भी है कि पार्थ को संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काडियावाड़ी में बेहतरीन रोल ऑफर किया गया है। बताया गया है कि संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में पार्थ समथान आलिया भट्ट के ऑपोजिट लीड रोल में नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि आलिया के ऑपोजिट कौन होगा इसको लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। इससे पहले खबर आ चुकी है कि आलिया के ऑपोजिट टीवी एक्टर शांतनु महेश्वरी को कास्ट किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कार्तिक आर्यन और इमरान हाशमी को भी ये रोल ऑफर होने की खबरें आई थी। फिल्म की शूटिंग मार्च में भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे रोकना पड़ा। फिल्म गंगूबाई काडियावाड़ी फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। किताब के मुताबिक गंगूबाई काडियावाड़ी का असली नाम गंगा हजरी वनदास था और वे गुजरात के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थी। गंगूबाई का पति उसे 500 रुपये में वेश्याला पर बेच देता है, जबकि वे उसके साथ नई जिंदगी जीने के सपने देख रही होती है। अब इसका इंतज़ार तो हम सबको है कि इस आने वाली फिल्म में आलिया भट्ट के साथ कौन नजर आएगा। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।